मेरे YouTube चैनल हिमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम पतली डोरी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो इस हमें उसके लिए क्या करना, एक उर्वी पट्टी कट करके लेना। उर्वी पट्टी को हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं। तो तिरछी पट्टी को कैसे कट करते हैं उसका वीडियो मैंने डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने जो तिरछी पट्टी कट करके लिया है, और इस तरह हमें क्या करना है, चार लेंथ में बड़ी सुई में धागा डाल के ले लेना है। बहुत ही आसान तरीका है पतली डोरी को बनाने के लिए। तो देखिए पतली डोरी को हमें करना क्या, इस तरह जब हमने पट्टी को खोल लिया है तो खोलने के बाद क्या करना है, इसको इसके ऊपर यहाँ पर रख देना है। इस तरह हमें डबल फोल्ड करके रख देना है। डबल फोल्ड रखने के बाद जो हमारा ये पार्ट इधर से खुला हुआ भाग इधर रहेगा, इतने दूर पर हमें सिलाई करना है। थोड़ी सी दूर पर हमें सिलाई करना है, सीधी सिलाई हमें करना है। तो चलिए सीधी सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने सिलाई कर लिया है। मैंने अलग कलर के धागे से इसलिए सिलाई किया ताकि आपको धागा दिखाई दे। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा है यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा हम काट के निकाल लेंगे और इतना कपड़ा इसके अंदर रहने देंगे ताकि हमारी डोरी जो है वो फिनिशिंग तरीके से बने। तो चलो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो काट लेते हैं। देखिए हमने कपड़े को कट करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई किया है देखिए कपड़े को डबल फोल्ड करके, उसके बीच में देखिए हमारा जो पार्ट खुला हुआ है यहाँ पर, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, सुई को ले लेंगे। सुई को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में इस तरह सुई को डालेंगे। देखिए सुई को इस तरह डाल के अंदर की तरफ से डाल के इसको दो तीन बार यहाँ पर गट्ठी लगा देंगे। तो चलिए गट्ठी लगा लेते हैं। देखिए हम इस तरह क्या करेंगे, इसके अंदर गट्ठी जब लगा लेंगे, अब सुई को क्या है हमने उल्टे की तरफ डालेंगे। जो सुई का पीछे का बर्जान धागा डालते हैं, हम पीछे की पार्ट को इसके अंदर डालेंगे। देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया और धीरे धीरे इस तरह हमें कपड़े को अंदर की तरफ ले जाना है। तो चलिए पूरे कपड़े को इसी तरह सुई के अंदर हम कर लेते हैं। देखिए हमने सुई को बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरह कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह धागे को खींचेंगे और कपड़े को इस तरह आगे करते हुए जाएंगे, और धागे को क्या करेंगे, हाथ में इस तरह लपेट लेंगे। सुई के जो धागा है उसको इस तरह हाथ में लपेट लेंगे और धीरे धीरे इस तरह खींचते हुए जाएंगे। देखिए कपड़ा हमारा, देखिए इस तरह हमारा कपड़ा अंदर जा रहा है। धीरे धीरे डोरी हमारी बन के तैयार हो रही है। देखिए इस तरह धीरे धीरे हाथ से प्रेस करके एकदम आसानी से खींचना है कि धागा हमारा टूटे ना। इस तरह देखिए ये कितने आसानी से हमारा डोरी बनके तैयार हो रहा है। फिर इस तरह जो कपड़ा हो रहा है इसको इस तरह फिर ऐसे हाथ से खींचना है और धागे को हाथ में इस तरह लपेट लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है डोरी बनाने का। देखिए हमारी डोरी बाहर की तरफ निकल गई है, और बहुत ही पतली डोरी और बहुत ही अच्छी लग रही बनने में। इस तरह हम लास्ट तक कपड़े को खींच लेंगे। तो देखिए ये हमारा डोरी बनके तैयार हो गया है। अब हम धागों को क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे। ये हमने धागे को इस तरह काट के निकाल दिया, और ये हमारा डोरी देखिए 2 मिनट के अंदर बनके तैयार हो गया है। तो आप इस तरह डोरी को कैसे बनाते हैं, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो डोरी बनाना आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।